हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिल्क वॉर्म और पम्पकिन का डिश बनाकर दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए और देखिए ये वीडियो। तो पहले इस सिल्क वॉर्म को पानी में डालकर उसको गर्म कर देते हैं ताकि वो मर जाए। उसको जिंदा है अभी तो उसको थोड़ा मारना ज़रूरी है, तो उसको गर्म पानी में डाल के 10, 15 या 20 मिनट तक हम लोग उसको रखना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग इस सिल्क वॉर्म को मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता है और इसको वगैरह वगैरह सोचता है, लेकिन ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही जो कपड़े हम पहनते हैं यही बनाता है, यही सिल्क वॉर्म बनाते हैं वो सब कपड़े। इसके कई लोग नॉर्थ वेस्ट लोग देखने में अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी क्या करूँ दोस्तों, सबका फूड हैबिट अलग है। ये काफ़ी ये फूड हैबिट जो है ये नोटिस का ही है। तो इसको पानी में गर्म करके एटलीस्ट 10-15 मिनट तक रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसको और थोड़ा खार भी डालना ज़रूरी है ताकि वो अच्छा से बॉयल हो सके। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरह से ये बॉयल हो रहा है। अभी इसका बॉयल तो हो चुका है दोस्तों। तो अभी मैं ये लोकल पम्पकिन, ये प्योर ऑर्गेनिक है, ये मेरा किचन गार्डन का ही है, तो इसको काट के मैं पीस बना लेता हूँ। मेरा परिवार उतना बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा कम मात्रा में इस पम्पकिन को भी काटना है, तो इसको हम काट लेते हैं पहले। तो अभी थोड़ा इस पम्पकिन को थोड़ा धो लेते हूँ पानी से, थोड़ा धो के और भी इसको छोटे छोटे पीस बनाते हो दोस्तों। देखिए ये ट्राइबल्स फूड कह सकते हैं इसको, अगर आप नॉर्थ में आएगा तो ऐसा डिशेस बहुत ही कॉमन है, लेकिन जो डिशेस हम लोग नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में खाते हैं वो बहुत ही अलग है। उसमें बहुत ही अलग अलग का डिशेस है, मतलब हर जगह से मतलब है, डिशेस जो है जगह से मतलब है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाले लोग इसको नहीं खाते हैं, मैंने भी रह चुका है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, लेकिन ऐसा सिल्क वॉर्म को खाते हुए नहीं देखा, इसलिए वो लोग को थोड़ा अगर वगैरह वगैरह बुरा भरी सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ये कोई चाइनीज। तो आइए अभी थोड़ा प्याज काट लेता हूँ, और अनियन डालना बहुत ही ज़रूरी है, प्याज डालना बहुत ही ज़रूरी है खाना में, सब्ज़ी में, क्योंकि इसका बिना, प्याज के बिना सब्ज़ी स्वादिष्ट नहीं होता है, इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसको मैं उतना ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा कम मात्रा में डालता है हम इसको। तो अभी पम्पकिन और ये सिल्क वॉर्म ऐड कर दिया मैंने, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देता हूँ दोस्तों, फ्राई करने से पहले डालता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग तेल के हल्दी को, यानी हल्दी को प्याज के साथ डाल के फ्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये थोड़ा यूनिक स्टाइल है कुकिंग में, तो इसलिए मैंने पहले से ही पम्पकिन और वो सिल्क वॉर्म को अंदर मैंने डाल दिया हल्दी। तो अभी मैं डाल देता हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, 1700 का शायद 17 सरसों का तेल डाल दिया। अभी तेल को थोड़ा गर्म होने दो। अभी गर्म होने के बाद ये जो बबल्स देख रहे हो इसको पूरा हटाना है, अगर ये बबल्स नहीं हटेगा तो वो ठीक तरह से सही तरह से वो तेल गर्म नहीं होता है, इसलिए इस तेल को सही तरह से गर्म करना है दोस्तों। अभी गर्म होने के बाद प्याज डाल देता हूँ और इसको ऐसा ऐसा हिलाना है ताकि ये कढ़ाई में पूरा हर जगह में ये तेल लगे, और हर जगह में ये तेल लगे ताकि हमको फ्राई करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा नहीं हिलाता है तो वो आपका जो सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी हो वो मतलब स्टिक चिपक सकता है उधर में, और मतलब जल्दी जलने का भी उसमें चांसेस है। तो इस तेल को पूरा ऐसा हिलाना है ताकि ये सरसों का तेल जो है हर तरफ कढ़ाई में लगना चाहिए दोस्तों। लगभग फ्राई हो चुका है, लगभग ये प्याज भी फ्राई हो चुका है दोस्तों, देखिए।
अभी थोड़ा नमक डाल लेता हूँ मैं। दोस्तों सब्जी बनाते समय हम लोग को क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ से नमक। नमक बाजार में बहुत ही सस्ता दाम है, लेकिन उस इस नमक को सही मात्रा में डालना बहुत ही ज़रूरी है। नमक सस्ता है बोल के इसको ज़्यादा ज़्यादा डालने से आपका सब्जी पूरा बेकार हो सकता है दोस्तों, इसलिए नमक डालते समय ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। तो मैंने नमक भी डाल दिया अभी दोस्तों, देखिए आप कैसा होता है ये सब्जी। अभी तो लग रहा है कि ये सब्जी बहुत ही तेज होने वाला है, अभी देखते समय ही इतना तो खाते वक्त कितना तेज होगा ये। और अभी पानी भी थोड़ा डाल देता हूँ दोस्तों, पानी को भी ज़्यादा नहीं डालने का, थोड़ा एकदम उसको थोड़ा लिमिट में डालना है। अगर आपको मतलब ग्रेवी टाइप खाना है तो थोड़ा पानी डालते समय आपको ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा पानी डालना नुकसान हो जाएगा इसका, आपका सब्जी का टेस्ट को बिगाड़ सकता है। इसलिए सब्जी आप सब्जी बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, नमक और पानी में। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी उगलने लगा है ये सब्जी, उगलने लगा है। और ये और इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें लहसुन डालना भी ज़रूरी है, इससे मतलब सब्जी में और एक्स्ट्रा स्वाद, ज़्यादा स्वाद लाता है दोस्तों। इसलिए हम मतलब सब्जी जब पूरा तैयार होके मतलब 5-10 मिनट तक रहना है, तो उसी समय हम इस सब्जी में गार्लिक लहसुन डालना शुरू कर देते हैं, ताकि इसका सही फ्लेवर आ जाए अंत में। दोस्तों आप सब देखिए वाह, इसको मैं अभी तेज कर लेता हूँ दोस्तों। वाह बहुत ही अच्छा तेज है, अभी थोड़ी ही देर में आप सबको हम ये खा के दिखाने वाला हूँ। और किसका साथ, वो भी देसी दारू यानी राइस बियर, दिबासा कचहरी ट्राइबल जाति में सबसे अच्छा राइस बियर बनाते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कुकिंग करने के बाद गैस को बंद करना, रेगुलेटर से ही हमेशा बंद करना, और बाद में आपको स्टोव में गैस स्टोव में बंद करना है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, गैस किस तरह बंद करना है इसे ज़रूर सीखिए। देखिए अभी ये है मेरा पूरा डिश, जिसको मैं अभी जुदीमा देसी दारू के साथ खाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए these two glasses are also for me.
जुदा हो के भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चले जाती है, जुदा हो के भी गम